को घोड़ों को दूर रखिए, यूट्यूबर्स सब पीछे और यहाँ पे भी उधर नहीं है, 32 और 33 यहीं से है। मैं दूरी बनाई रखिए, दूरी बनाई रखिएगा, शुक्रिया। बट एक नंबर 33 और 32 का ये सेकंड राउंड, बहुत ही पावरफुल घोड़े, वाह भाई वाह भाई, युद्धवीर को 33 को ले जाया जाए, युद्धवीर घोड़ा, इजाजत है जाने की। 32 नंबर टैग नंबर 30, टैग नंबर 30 को यहाँ पे इनवाइट किया जाए, बुलाया जाए। 30 नंबर, नंबर 30 बहुत ही बेहतरीन आप लोग जो जुड़े हुए हो हमसे, और बहुत ही बढ़िया नज़ारा आपको ये सारंगखेड़ा चेतक फेस्टिवल से हम आपको दिखा रहे हैं। लोग काफ़ी लोग अलग अलग राज्यों और अलग अलग स्टेट से जुड़े हुए हैं हमारे साथ में, उनका विश्वास और उनका प्यार ही हम लोगों को लाइव दिखाने के लिए मजबूर करता है। थैंक यू, जाने की इजाज़त, शुक्रिया। टैग नंबर 45 को यहाँ पे बुलाएंगे, 45 राजीव, टैग नंबर 45 मोहन सिंह जी, पानी कहाँ पिएंगे यार, अभी पानी पीने का टाइम नहीं है, अभी नज़ारा दिखा देंगे आपको, नज़ारा दिखाने का टाइम है, पानी पिएंगे बाद में। बहुत ही बेहतरीन ये नज़ारा आप देख रहे हो, थोड़े अंधेरे लाइट की वजह से आपको थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो सकती है, बाकी ओ भाई गुड, बाकी ये नज़ारा आप देख रहे हो घोड़ों का, वाह वाह वाह। देखिए युद्धवीर ये घोड़ा है जो अपना कर्तव्य, ये देखिए, ये देखिए, ये जो पावर है, यही वो नजारा होता है जिसके लिए रिंग आयोजन करवाई जाती है, और इसके लिए ही लोग यहाँ पे बैठे रहते हैं। आप ये नज़ारा जो सीधा लाइव देख पा रहे हो हमारे, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। टैग सीधा कीजिए, टैग नंबर 32 भाई, खलीफा जो खलीफा घोड़ा आया है, खलीफा घोड़े को यहाँ पे बुलाया गया है, और खलीफा के साथ में जो घोड़ा है वो सामने जो घोड़ा है दोस्तों वो भी पंजाब से ही घोड़ा है, मजूके लाइन का जो घोड़ा है, और ये खलीफा के सामने जो मजूके लाइन के घोड़े को जो सामने प्रदर्शन करता हुआ खलीफा एंड मजूके लाइन का ये घोड़ा सेकंड वाला, समझिए जो ये घोड़ा दोस्तों आप देख रहे हो ये है मजूके लाइन का, और नाक का ये होता है शायद, और ये खलीफा सबका प्यारा लोगों का ऑस्ट्रेलियन खलीफा, बहुत ही शानदार प्रदर्शन, बहुत ही शानदार उम्दा प्रदर्शन खलीफा का, और ऑस्ट्रेलियन खलीफा जो वेरी लाइट की रोशनी में चमकता हुआ यहाँ पे आमंत्रित है। 40 खलीफा के सामने जो फिर से 40 टेक नंबर है उसको बुलाया गया है दोस्तों, और सामने खलीफा है और एक घोड़ा, और ये देखिए सामने खड़ा है खलीफा जो दो टांगों पे उछलता हुआ आपको नज़र आ रहा होगा इस वीडियो में। और बहुत ही ज़ोरदार प्रदर्शन करता हुआ ये घोड़ा भी, गोल्डन रॉक, सॉरी नाम भूल गया मैं, ये गोल्डन रॉक था दोस्तों, गोल्डन रॉक और खलीफा, गोल्डन रॉक और खलीफा के बीच में ये टक्कर आपने देखी थी, ये देखिए गोल्डन रॉक जो खड़ा है घोड़ा, और अभी जो महावीर जो घोड़ा है उसको बुलाया गया है, उदयपुर का जो घोड़ा आया था उदयपुर का महावीर,
और गोल्डन रॉक के सामने, गोल्डन रॉक और महावीर जो घोड़ा है जो ग्रेट गैम्बर का बेटा है और मेवाड़ की धरती महाराणा प्रताप की धरती से चल कर आया है ये घोड़ा, गोल्डन रॉक की और महावीर, बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन दोनों का, गोल्डन रॉक और ऑस्ट्रेलियन महावीर। ओहो ओहो, रॉक इज रॉक 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 रॉक, गोल्डन रॉक, वेरी गुड। टैग नंबर 27, टैग नंबर 27 नहीं आएगा। महावीर ने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन किया है भाई, बहुत ही बढ़िया। नंबर 27 27 भाई, ऑस्ट्रेलियन गोल्डन रॉक और एक घोड़ा और है ये। वाह भाई वाह, ये प्रदर्शन करता हुआ और लोगों की जो गड़गड़ाहट मुंह से हाथों से सभी तरह से गड़गड़ाहट। टैग नंबर 31, टैग नंबर 31, 31 नंबर, ये भाई आया है सुरखाब। स्टेज कहाँ से आते हुए? सुरखाब पंजाब का, और बहुत ही सुरखाब के सामने वापस है जो गोल्डन रॉक है, जो वापस सलामी गोल्डन रॉक और सुरखाब का प्रदर्शन दोस्तों देखिए, सुरखाब और गोल्डन रॉक दोनों पंजाब के घोड़े हैं, दाना स्टड फार्म सुरखाब, दोनों घोड़े बहुत ही गुड प्रेजेंटेशन है भाई, दोनों घोड़ों का बराबर। भाई ये कौन सा घोड़ा है? ये भाई गुजरात का ही है और धीरेन पटेल जी का जो शायद ये घोड़ा है अभिजीत। वाह 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 वाह, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। और लोगों की जो आवाज़ है दोस्तों, ये देखिए गोल्डन रॉक और ये जो घोड़ा है, बोल रहा हूँ धीरेन जी पटेल गुजरात से, ये घोड़ा आया हुआ है उनका घोड़ा, वेरी गुड वेरी गुड, क्या पावर है घोड़े में यार, वाह वाह, जोरदार 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 जोरदार, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया दर्शकों में उत्साह और बहुत ही उम्दा ये एनर्जेटिक फील, अचानक से इस रिंग में ये एनर्जी दिखती हुई दर्शकों में। काल प्रेक्षक बिना ने फिर बता दिया, दर्शकों में काल जो घोड़ा है ये काल आया है, काल और गोल्डन रॉक के सामने ही आपने देखा, तब्दीली वापिस दोस्तों, काल और गोल्डन रॉक की जो टक्कर है वो आपको देखने को मिल रही है फिर से, फिर से माहौल गोल्डन रॉक और काल का वापिस, इनको जो टीच कराया जा रहा है देखिए, बहुत ही जोरदार प्रदर्शन इसमें काल घोड़े का आप देख रहे हो, देखिए बहुत ही जोरदार, बहुत ही जोरदार बहुत ही जोरदार जोरदार जोरदार, क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत ही शानदार ये नज़ारा सुरखाब भाई, काल और गोल्डन रॉक, दोनों में जबरदस्त टक्कर और जबरदस्त, वेरी, इसके सामने कौन सा घोड़ा अब लाया जाएगा, भाई ये काल के सामने फिर एक जो घोड़ा है उसको लाया गया है यहाँ पे, और फिर से आप काल का जो देखो का प्रदर्शन, वो भाई घोड़ा ये भी कमज़ोर नहीं है, मैं भी अपना जो दमखम है वो दिखाया है, यहाँ पर फिर से 28, टैग नंबर 28 को यहाँ पे इनवाइट करेंगे, 28 नंबर, 28 नंबर घोड़ा भाई महावीर घोड़ा वापस इसको बुलाया गया है,
घोड़े के सामने ऑस्ट्रेलियन महावीर ग्रेट गैम्बलर का बच्चा जो रिवार्ड की धरती से आया है। दादा प्लीज थोड़े से बाहर जाए, प्लीज रिंग मध्ये कोणी नकोय आम्हाला। और काल जो घोड़ा है इनको वापस यहाँ पे बुलाया गया है। मुन्ना दादा की यहाँ पर इस एनर्जेटिक एंट्री पे यहाँ पर एंट्री, सब ध्यान दीजिए कोई रिंग के अंदर आएगा नहीं। आप हमारे सम्माननीय अतिथि है, कृपया करके रिंग से बाहर ही रहिए। रिजल्ट अनाउंस हो जाने दीजिए, इसके बाद आप रिंग में आ सकते हैं। सुरकाब और गोल्डन रॉक दोनों आमने सामने, आप ये नजारा देख रहे हो सीधा लाइव, सुरकाब और गोल्डन रॉक दोनों। राम राम सभी का जो देख रहे हैं, सुरकाब और गोल्डन रॉक का ये नज़ारा। टैग नंबर 31 है जो सुरकाब है, और इधर वाला जो घोड़ा है वो गोल्डन रॉक है। दोनों का सच्चा और अच्छा प्रदर्शन, वेरी गुड, बहुत ही जबरदस्त प्रदर्शन दोनों का। कौन जीतेगा दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज का चैंपियन सारंगखेड़ा का 2023 का जो चैंपियन है वो कौन होने वाला है, सुरकाब या गोल्डन, दोनों हॉर्स को पीछे ले लीजिए, या काल दोनों स्टैलियंस, या फिर कोई और भजन लाल जैसा, जैसे